सो हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। सो आज है 4 जून, तो अभी शाम के बज गए हैं 5:50 हो रहे हैं। तो आज के व्लॉग को यहीं से स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, माय सेल्फ कविता, और मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो मैं अभी ऑफिस से आ रही हूँ घर के लिए। तो आज हमारे घर में है एक पूजा है, तो पूजा मतलब कि एक जागरी है, जैसे पहाड़ों में जागरी रखती है ना, तो वो स्मॉल वाली है, मतलब कि वो छोटी वाली जागरी है। तो मतलब ऐसा है कि वो बड़े वाली नहीं है, कि मतलब कुछ ऐसी होती है ना कि जिसमें पूरा परिवार करता है, तो यहाँ पर सिर्फ एक जने के लिए है, तो मेरी बड़ी वाली बहन के लिए है। तो अभी रात को स्टार्ट होती है, मतलब वो जागरी हमेशा रात को लगती है। तो अभी थोड़ी देर में पंडित जी वगैरह आने वाले हैं, तो मुझे मेरी बहन ने बोला था जल्दी आना, बट आज ऑफिस में काम थोड़ा ज़्यादा था तो मैं लेट हो गई हूँ ऑलरेडी। तो चलिए अभी घर चलते हैं, फिर जो कुछ थोड़ा बहुत काम बचा होगा वो उसमें हेल्प करते हैं उन लोगों की। तो चलिए गाइस, आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि कैसे होती है हमारे उत्तराखंड में जागरी। तो चलिए फिर देखते हैं और आनंद उठाते हैं। डॉगी डॉन, वो मुझसे डर रहा है, मैं उससे डर रही हूँ। हाय है, सो मैं हो गई हूँ अभी रेडी। तो अभी वो लोग आए नहीं है, आने वाले हैं मतलब थोड़ी देर में। तो अभी मैं घर आके जल्दी से पहले नहाया, क्योंकि इतनी गर्मी हुई थी ऑफिस में बहुत ज़्यादा। सो पहले मैं नहा ली थी, फिर उसके बाद जाके अभी ये लोग मुझे जाने ही नहीं दे रहे उधर को, बेवकूफ़ जैसे कह रहे नहीं 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 अभी आ जाएंगे, वो आ जाएंगे। मैं जाना चाह रही थी। ओयो, किसी चीज़ की आवाज़ आ रही है, कुछ तो है इधर। चुकंदर कुछ तो होता है, चुकंदर वो है, तो उसकी आवाज़ आ रही है। सो दी के वहाँ से अभी अम्मा आ रही है और छादिशु आ रहे हैं, तो मैं जा रही थी अभी उन्हें बुलाने के लिए। रखू कुछ नहीं कहा, नहीं 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 मैं फ़ोन कर देती हूँ, फ़ोन करके बुला देती हूँ। जब होता नहीं है, हम किसी चीज़ के लिए बाहर जाना चाह रहे होते हैं, लोग रोक देते हैं, अरे फ़ोन तो मेरा भाई कह रहा वहाँ से, फ़ोन किस लिए बना होता है, फ़ोन करेंगे। जाने नहीं दे रहे कोई मुझे, अभी पता कर लेंगे, कहेंगे अरे कहाँ चली। तो चलिए मैं जाती हूँ अंदर, जब तक फिर मतलब मम्मी लोगों ने सभी सारी प्रिपरेशन कर ही दिया है। उन लोगों ने मम्मी ने आटा तक गूंध दिया, सब्जी वब्जी बना के रेडी कर दी है, और सूजी वूजी बना दी है, और क्या बोलते हैं बाकी तो आटा गूंधा है, रोटी ही नहीं बनाई, रोटी तो गर्म गर्म बनाएंगे। बाकी मतलब फुल प्रिपरेशन हो गई है। आज इन लोगों ने जम के सफाई करी घर की, चकाचक कर रखा, चकाचक। अच्छा वो मैं घर पर नहीं थी, वरना वाट लग जाती। सो अभी चलते हैं अंदर, फिर जब वो लोग आएंगे तब मैं कंटिन्यू करूँगी। चलो चलो बैठो बैठो, तुम भी बैठो, चलो चलो बैठो बैठो। पानी रखो। क्या होता, कुछ गर्म पीते होंगे। तूने सब्सक्राइब किया नहीं किया ये बता पहले, नहीं किया तो किस मुँह से पूछ रहा है मेरे सब्सक्राइबर के बारे में, हैं तरफ नहीं आ रही तेरे को। ये देखो एक ही से बात नहीं करती मैं, तो मैं तो हूँ नहीं ना, मैंने कब एक्सेप्ट किया, तूने एक्सेप्ट किया ना। अच्छा
अच्छे से छान लिया एकदम छन्नी से। हाँ चल ठीक है जी, ले जाना है। हाँ हाँ ये रखी थी उन्होंने, ले ली किसी का आई है ना, रोड़ा तरफ कर दिया। हाँ 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 बाय बाय छाया, छोड़ दे आगे तक। कितना आगे तक? ए तुम तो चले जाओगे वापस, मैं कैसे आऊंगी? मैं पा उदा उजाओ तो छा, पर डर लग डर लेता छपे ऐसे की है। डरनी तुम तो पांच पांच जा रहे हो, तुम मेरे को डरनी। सब रात के बज चुके हैं 12, तो अभी उन सब लोगों को खाना खिलाया, फिर उसके बाद भी उनकी फैमिली को मतलब अम्मा को बच्चों को खाना खिलाया, फिर उसके बाद अपन लोगों के लिए खाना बनाया। कभी खाया नहीं है मैंने, अभी ज़्यादा जिससे कुछ होकर आ रही हूँ, तो अभी नहीं भी आने रहती। तो आज के ब्लॉग को ही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।